गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आयुषी स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। अध्याय दो, एक चौबाले रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 2.3, निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आज हम जानेंगे इस समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 - 6x - 9x = 1/15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, z/4 = z + 15/9। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, 7 - 6x - 9x = 1/15। ठीक है, इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। ठीक है, यानी 7 - 6x में 15 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9x में 1 से गुणा करेंगे तो 9x होगा। ठीक है, 15 में 7 से गुणा करेंगे तो 1500 कितना होता है, 105 होता है। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, गुणा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 में 6 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 90। 1 से तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर 9x। ठीक है, या 105 बराबर 9x। ठीक है, ये माइनस 90x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 90x हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चर या अचर राशि को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह में क्या होता है, बदल जाता है, यानी चिन्ह उसका क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर वो चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो रहता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ -90x बराबर के इस साइड में माइनस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 105 बराबर 9x और 90x दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए x बराबर क्या होगा, 105 में आकर 99 से भाग लग जाएगा, यानी 105/ क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, कटने वाला रहेगा तो कटा देंगे, नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे। तो देख रहे हैं कि कटने वाला है, 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे 99 में तो कितना भागफल आएगा, 3 आएगा। 105 में यहाँ भी 3 से भाग होगा, जब नीचे जितना संख्या से भाग करेंगे उसी संख्या से ऊपर वाला संख्या में भाग होगा। ठीक है, तो 105 में 3 से भाग करने कितना हो जाएगा, 3 × 9 शेष बचेगा 1, 1/5 जब उतरेगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, इसीलिए x = 35/33 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, z/4 = z + 15/9। ये हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। ठीक है, तो z में 9 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9z बराबर z + 15 में 4 से गुणा करेंगे तो z + 15 यहाँ 4 से गुणा हो गया। ठीक है, या 9z = 4 में जेड से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4z हो जाएगा, प्लस 4 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, या 9z ये प्लस 4z है, इधर आएगा तो क्या होगा, -4z हो जाएगा, बराबर 60। ठीक है, 9z में से 4z घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5z =
60, ठीक है। इसीलिए जेड बराबर 60, यहाँ जेड का गुणांक 5 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा 60 में भाग लग जाएगा, यानी 60 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 60 में तो कितना मोट में कटेगा 12, यानी 12 भाग पर आ जाएगा, इसीलिए जेड बराबर क्या हो जाएगा 12 आंसर, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।